यहाँ देखिए डीसी का हम लोग का अपना रूल पढ़ चुके हैं, ये चैन रूल है, ठीक है। चैन रूल के द्वारा कैसे होता है डीसी, लेकिन चैन रूल से अच्छा है आप लोग का जो पीछे पढ़ा है वो सब रूल, ठीक है। चैन रूल से लेंथी क्वेश्चन हो जाता है और सभी क्वेश्चन चैन रूल के द्वारा आप नहीं बना सकते, बना भी सकते हैं तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो चल रहे हैं, जैसे पढ़ लिया जाता है कि इस तरह से चैन रूल काम करता है। डिफिनेशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन बाय चैन रूल, श्रृंखला नियम द्वारा मिश्र फलन का अवकलज, किस तरह से श्रृंखला नियम द्वारा हम मिश्र फलन कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन विद इन फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे मोबाइल के अंदर में आपको सेटिंग है, तो सेटिंग एक फंक्शन है, और सेटिंग के अंदर में जाओगे तो जाएंगे तो डिस्प्ले सेटिंग आएगा, ब्राइटनेस सेटिंग आएगा, तो वो भी क्या है फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। ब्राइटनेस सेटिंग के अंदर में फिर जाओगे तो आपको बताएगा 12 पर करें 10 पर करें, जो भी ब्राइटनेस है वहाँ भी एक सेटिंग है। तो सेटिंग के अंदर सेटिंग एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन ब्राइटनेस फंक्शन डिस्प्ले सेटिंग, फिर उस फंक्शन के अंदर डिस्प्ले किस पॉइंट तक सेटिंग करना है और ब्राइटनेस किस पॉइंट तक का करना है सेटिंग करना है। तो फंक्शन विद इन फंक्शन इज कॉल्ड क्या होता है कंपोजिट फंक्शन, क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। क्या होता है कंपोजिट फंक्शन कैसे होता है, जैसे यहाँ पर देखिए इसका कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जी आ गया, क्या आ गया जी, दो को फंक्शन कंपोज हो गया, क्या हो गया कंपोज मतलब मिल गया, क्या हो गया मिल गया, उस एफ के अंदर में आ गया कौन जी, ये कंपोजिट फंक्शन है, क्या है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डीसी करना है, देखिए वो भी डीसी करना है तो चैन रूल के द्वारा, किसके द्वारा चैन। हम लोग कैसे डीसी करते हैं, एफ का डीसी क्या हो जाता है एफ डैश ऑफ, एफ का डीसी क्या हो जाता है एफ डैश, एफ डैश आई छापा छापी यही होता है, और जी का डीसी क्या हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपोजिट फंक्शन इसको डीसी कैसे करता है देखिए, कंपोजिट फंक्शन कहता है कि यहाँ पहले इसको पूरा लिख दो, चैन रूल कैसे कहता है चैन रूल, यहाँ पूरा लिख दो एगो कम करके नीचे लिखो और फिर नीचे जितना लिखा है ऊपर चढ़ाओ, फिर एगो कम कर दो आ गया डी एक्स, डी एक्स आ जाएगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा तो वहीं पर क्या हो जाएगा स्टॉप। जैसे एग्जांपल बनाते हैं ध्यान से रखिएगा, इसको चैन रूल के द्वारा बनाते हैं तो देखिए चैन रूल के द्वारा कैसे बनता है, साइन लॉग एक्स यह पूरा लिख दिया, बटा में क्या लिखेंगे डी, यहां पर लिखेंगे लॉग एक्स, क्या लिखेंगे लॉग एक्स, एगो कम कर दो एगो क्या कर दिए कम कर दिए लॉग आ गया, अब यहाँ इंटू में चलाइए इसी को डी लॉग एक्स, लिखा हो गया लॉग एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा एगो हाउ कम करो लॉग, लॉग कम करेगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स, और जब डी एक्स आ गया वहां पे स्टॉप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे स्टॉप। अब आप जानते हैं कि साइन के डीसी क्या होता है, साइन है साइन मुड़ी के क्या होता है कॉस मुड़ी, यानी कॉस और मुड़ी में क्या है लॉग एक्स, मुड़ी में क्या है लॉग एक्स, साइन के डीसी कितना हो जाएगा कॉस, मुड़ी में क्या है लॉग एक्स, क्या है लॉग एक्स। अब आइए अब फिर कहेंगे इसका डीसी नहीं होगा लॉग एक्स का, होगा लॉग एक्स का डीसी, लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वन। अब आइए यहाँ पर डीसी कीजिए, लॉग एक्स के डीसी कितना होता है वन बाई एक्स हो गया, तो वही तो हम लोग वाला हुआ, साइन के डीसी का हुआ कॉस मुड़ी, अब फिर लॉग एक्स के डीसी का हुआ वन बाई एक्स, एक्स के डीसी का वन, समझ रहा है। तो ये इतना आई लिखने का कौन जरूरत था, तो ये आपका चैन रूल, तो क्या आ गया कॉस लॉग एक्स और फॉर्म के क्या है डीसी तक हो गया। देखिए इसमें तीन वो कंपोजिट फंक्शन है, तीन कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका क्या होगा ध्यान से पूरा लिखेंगे, एगो कम करके नीचे फिर उड़ जाएगा ऊपर, फिर एगो कम करके नीचे फिर उड़ जाएगा ऊपर, और फिर एगो एच कम करेंगे तो एच कम करेंगे तो खाली क्या बच जाएगा एक्स, डी एक्स आ जाएगा तो रुक जाएंगे, अब डी एक्स ऊपर नहीं जाएगा,
डीएक्स आएगा तो क्या करेंगे, रूम देंगे, समझ रहे हैं चैन रूल। अब देखिए जैसे इसको क्वेश्चन को बनाना है आपको चैन रूल के द्वारा, देखिए चैन रूल के द्वारा कैसे बनता है, डीजी छापिए लॉग साइन कॉसेक्स कितना हो गया कॉसेक्स। अब देखिए भाई एगो कम कर दो, बटा में लिखना है तो एगो कम करके, इसके बटा में लिखना है तो इससे एगो कम कर दो, ये कितना हो जाएगा डीजी साइन कितना हो जाएगा साइन कॉसेक्स। अब यहाँ पर देखेंगे अभी ऊपर जाएगा फिर डी साइन कॉस एक्स, ठीक है अब आई ये वो कम कर दो क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स, अभी जाएगा ऊपर डी ब्रैकेट देगा नहीं हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है डी कॉस एक्स अब आई क्या हो जाएगा ये वो कम कर दो डी एक्स आ जाएगा तो रुक जाएगा। अब इसका डीसी करना है लॉ का, लॉ का डीसी कितना हो जाएगा वन बाई एक्स लॉग मूड़ी के वन बाई क्या हो जाएगा मूड़ी यानी कितना साइन लिखे ना हम लोग कैसे नहीं जानते हैं लॉग का डीसी वन बाई अपना साइन का डीसी कॉस और कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स तो हाई आसान है कि हाई आसान हाई करना बहुत आसान है आई ना हम लोग हाई बनाते हैं क्या है चैन रूल नहीं बनाते हैं क्या फायदा उसको लिखने से पता है तो यही है चैन रूल आपका लिख दे रहा है और कुछ इक्वल टू आंसर कितना हो गया पता है कोई हाँ आइए देखते हैं कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट कॉट कॉस मूडी बटा साइन मूडी कॉट मूडी माइनस लिख देते हैं पहले कॉट और मूडी मूडी कितना है कॉस एक्स फिर बचा क्या इंटू साइन एक्स साइन एक्स लगा हो गया। अब आइए यहाँ पे इसका देखिए पहले पूरा फंक्शन छापेंगे छाप दिए एगो कम करो तो पहले एन का ना डीसी होता है पहले बारी फंक्शन था ना तो एक कम कर दिए तो फिर अब पूरा हाई लिखे हैं फिर ऊपर चढ़ेगा तो एगो एफ कम करेंगे तो हाई लिखेंगे फिर ही चढ़ेगा तो एगो जी कम होगा तो कहाँ लिखेंगे डी एक्स डी एक्स आएगा तो कहाँ हो जाएगा स्टॉप। तब एक डी सी क्या होता है एस से पर पावर उतार के पावर एगो क्या कर देंगे एफ ऑफ एक्स के डीसी क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स है जी डैश जी ऑफ एक्स के डीसी क्या होता है जी डैश जैसे इसको बनाते हैं इसी पे एग्जांपल लिए चैन रूल के द्वारा तो पूरा पहले छापेंगे डी साइन कॉस एक्स के पावर कितना हो जाएगा एन और बाय कितना है डी एक्स एगो कम कर दो एन एन कम करो तो एन कम करेगा पहले बार वाला एन कम करेगा तो कितना हो जाएगा साइन कॉस एक्स कोई दिक्कत नहीं ना है आई चल जाएगा ऊपर डी साइन कॉस एक्स अब इसमें से नीचे जब लिखेंगे तो वो कम करेंगे एक तो कम करो फंक्शन तो कम करेगा तो डी कितना हो जाएगा कॉस एक्स कॉस एक्स अभी नहीं रुकेगा क्यों नहीं रुकेगा डी एक्स नहीं आया नीचे फिर नहीं जाएगा ऊपर डी कॉस एक्स अब एक फिर फंक्शन कम करो तो कॉस कम कर देगा तो क्या बचेगा x dx आ गया क्या हो गया रुक गया चले आगे आगे देखिए इसका इसी क्या होता है पावर उतार के पावर घटा देंगे तो देखो पहले साइन कॉस x एक पावर घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा n माइनस वन n के जगह पर सिक्स लिख देते हैं कोई लिखता है सिक्स लिख देते हैं सिक्स लिख देते हैं तो यहाँ पावर उतार के पावर घटा देंगे सिक्स इसके पावर कितना हो जाएगा फाइव इंटू साइन का डीसी कॉस मूड़ी छपा छप कॉस एक्स अपन कॉस एक्स का डीसी कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स डीसी तो क्या हो गया चैन रूल है हम लोग तो डायरेक्ट बनाते हैं पावर का डीसी पावर उतार के पावर घटा देंगे राइट पेन साइन मूड़ी के कॉस ठीक है पेन कॉस एक्स का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन हम लोग का क्या दिक्कत है तो यही है चैन रूल आपको यही बिना तब आप एक दिन कह रहे थे चैन रूल के लिए बात कर रहे थे तो जो तो यही है चैन रूल आइए रूट कर दीजिए पूरा लिखिए रूट कम कीजिए बारह वाला फंक्शन भीतर वाले के जी चलेगा ऊपर एफ कम कीजिए जी वाला लिखिए जी चलेगा ऊपर जी कम कीजिए एक्स रूट के डीसी वन बाई टू रूट टू है एफ ऑफ एक्स के डीसी एफ डैश ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के डीसी जी डैश ऑफ एक्स एक नंबर एग्जाम्पल नहीं दिया फिर ऐसा ही वन बाई एक्स के पावर एन 1 by x के पावर n पहले ही पूरा चढ़ाइए
पूरा लिखिए नीचे का लिखेंगे वो कम करेंगे तो पावर एन वाला कम करेंगे का लिखेंगे ये वाला इसमें एक और होगा का इसके बाद यहाँ हो जाएगा ठीक है एगो कम कीजिए तो फिर एगो जियोपैक्स चलेगा फिर जियोपैक्स एगो एन कम करेंगे तो जियोपैक्स जियोपैक्स चलेगा तो जियोपैक्स इसका आई सी वन बाई एस के पॉर एन के माइनस एन बटा बाई एस के पॉर एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स के डी सी एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के डी सी जे डैश ऑफ एक्स ये एक के पॉर एक्स के एक पॉर एक्स के एगो कम करो तो एक कम हो गया एक कम हो गया तो क्या हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चढ़ा एफ कम हो गया तो जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स चढ़ा तो एक जी कम हो गया डी ऑफ एक्स यहाँ पर इसका डी सी एक पॉर एक्स के एक पॉर एक्स लॉग ए होता है एफ ऑफ एक्स के एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के जी डैश ये क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन को हम बना रहे हैं इसके द्वारा बाई चैन रूल बाई चैन रूल अब इसे हार्ड लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको चैन रूल का ठीक है अपना क्वेश्चन अभी तुमको बनाने के बाद लिख दीजिए देखिए आप तो वही क्वेश्चन उसी प्रेम वही है उसी का क्वेश्चन है तो लिखना होती है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स हो गया इधर डी बाई डी एक्स इधर लग गया उधर लग गया क्वेश्चन में चलो ठीक है इसके बाद अब चैन रूल लगाते हैं चैन रूल में रूट को कम करेंगे तो नीचे लिखेंगे वह चीज रूट को कम करेंगे तो क्या लिखेंगे नीचे फिर नीचे वाला ऊपर चढ़ेगा डी साइन लॉग एक्स साइन कितना होगा लॉग एक्स अब बाई अब साइन कम होगा डी साइन कम होगा तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स कितना हो जाएगा लॉग एक्स अभी वाला ऊपर जाएगा डी लॉग एक्स अब बाई अभी लॉग कम होगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स और डी एक्स जब आएगा तो क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे और देखिए रूट का डी सी वन बाई टू रूट डी रूट में जाऊंगा क्या साइन लॉग एक्स साइन क्या होगा लॉग एक्स अब इनटू साइन एक्स का डी सी कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का डी सी वन बाई एक्स हो गया आपका डी सी हो गया तो डी सी हो गया तो छापिए अब इसका लिखिए ऊपर में फुल मल्टीप्लाई करेंगे cos log x by 2x और root under sin log x ये वाला x है ये वाला x आगे लिख दिया this is the क्या हो गया x था चलिए दूसरा नंबर क्या था देखिए y equal to था y equal to क्या था a के power sin log x log x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx इक्वल टू d a के पावर साइन log x बाई dx इसका चैन रूल लगाते हैं चैन रूल तो पहले इतना तो छापे करेंगे a के पावर साइन log x अब भाई नीचे जब लिखेंगे a वो कम कर देंगे तो a कम हो जाएगा तो d कितना हो जाएगा sin log x अब ये जाएगा ऊपर में into क्या हो गया d sin log x अब भाई कितना हो गया d log अब sin कम करेंगे तो sin कम करेंगे तो log x हो जाएगा कितना हो जाएगा log x अब फिर ये वाला ऊपर जाएगा डी लॉग एक्स डी लॉग एक्स इनटू में लॉग एक्स अपॉन में अब लॉग कम करेंगे लॉग कम करेंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स डी एक्स आएगा तो रोक देंगे यहीं पे क्या करेंगे रोक देंगे ए के पावर एक्स का डीसी करिए ए के पावर एक्स हो जाएगा ए के पावर एक्स यानी साइन लॉग एक्स अब इन लॉग लगा दीजिए लॉग काम है बेसवा में बेसवा कौन है ए अब इसका हो गया अब दूसरा पार्ट का डीसी करिए साइन का डीसी कॉस लॉग एक्स का डीसी वन बाई एक्स डीसी तो क्या हो गया अब बताइए क्या करना है लॉग एक्स का डीसी कितना लिखते हैं वन बाई एक्स इतना ही आंसर हो गया चाहे ऊपर में लिख के आप बटन में लिख देना एक्स ठीक है यही क्या हो गया आंसर थर्ड नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था y इक्वल टू वन बटा में साइन लॉग एक्स के पावर सिक्स
साइन लॉग एक्स होल पावर 6। इसका डीसी करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स एनियो लगा दो वाई में, डी बाई डी एक्स एनियो लगा दो और डी बाई डी एक्स एनियो लगा दो। किस में लगा दो, इसमें लगा दो। तो लिखिए 1 बाई, लिख सकता है 1 बाई साइन लॉग एक्स के पावर, ध्यान से देखिएगा 6 है ब्रैकेट। चलिए चैन रूल लगाइए, चैन रूल क्या होता है, 1 बाई वाला हटाएंगे, पहले लिखिए डी 1 बाई साइन लॉग साइन लॉग एक्स के पावर 6। अब यहाँ पे जब चलेंगे बाई क्या था ना, बाई में लिखेंगे तो वो कम करेंगे, 1 बाई वाला कम कर देंगे सीधे, तो क्या बचेगा डी साइन पावर वाला छोड़ देंगे, डी लॉग एक्स अभी जाएगा ऊपर, डी लॉग एक्स डी साइन लॉग एक्स है, डी साइन लॉग एक्स अब बाई साइन कम कर दो तो डी कितना हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग एक्स अभी वाला ऊपर जाएगा, डी लॉग एक्स अपॉन अब लॉग कम कर दो तो क्या हो जाएगा डी एक्स, इतना करो तो इसका ऐसे क्या होता है माइनस एन यानी माइनस 6 बटा में, माइनस एन बटा में एक्स के पावर, एक्स कितना है साइन लॉग एक्स के पावर माइनस एन बटा में एक्स के पावर एन प्लस 1 यानी 6 प्लस 1। अब साइन के डीसी कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स के डीसी 1 बाई एक्स। अब छापिए इसको, माइनस ऊपर में क्या हो गया 6, ये कितना हो गया कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स अब बाई ये कितना हो गया साइन के पावर 6 लॉग एक्स, बोलो 7 हो जाएगा, 6 एक्स 7 आई इन टू में क्या हो जाएगा एक्स एक्स, दिस इज द क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब अगला चलते हैं आगे, इसके बाद देखिए 5.2 का आपका पढ़ा दिया डिफरेंशिएबिलिटी और आपका डिफरेंशिएशन, तो चैप्टर बनने जा रहा है कौन 5.2 एक्सरसाइज 5.2। चलिए आइए देखिए ईएक्स 5.2 मतलब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखा है साइन, देखिए ध्यान से साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन के लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है ऊपर में कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष क्या करने पर प्रॉब्लम करने, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर। देखो जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन अवकलन के आता है, डिफरेंशिएशन डीसी का क्वेश्चन आता है, तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे देखेंगे y है कि नहीं, y इसमें है कि नहीं? नहीं नहीं है। जब भी डीसी के क्वेश्चन में y नहीं रहता है तो लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू, लेट मतलब माना, लेट मतलब माना, माना y इक्वल टू, लेट कहो चाहे क्या कहो माना, माना लिखना y इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए डिफरेंशिएट diff डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हिंदी होता है एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने को अवकलन करने को, अवकलन करने पर करने पर ध्यान दीजिए अवकलन करते हैं, अवकलन करने के मतलब एक्स के सापेक्ष डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इधर लग जाएगा, अब बराबर देखे डी बाई डी एक्स इधर लग जाएगा, अच्छा तो इधर का है वाई और इधर का है जो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए तो अब डीसी करते हैं, वाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स से हो जाएगा,
लिखा है गया y का dcx के रिस्पेक्ट में dy क्या होता है dx होता है यहां देखिए। अब इसमें चलेंगे तो पहले sin का dc करना है, sin का dc बाहरी फंक्शन कौन है sin, तो इसको दिमाग में x मान लेंगे, तो दिमाग में x मानेंगे तो sin x बनेगा, sin x के dc cos, x की जगह यहां पर x नहीं है यानी sin मुड़ी के cos मुड़ी, sin मुड़ी के cos मुड़ी, मुड़िया में घुस गए प्लस माइनस आया तो बोल देंगे एक्स स्क्वायर का डीसी, पावर का डीसी, पावर उतार के पावर घटा देंगे, एक घटाते हैं। अब एक्स का डीसी जब लिखेंगे तो एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा प्लस फाइव का डीसी का हो जाएगा जीरो, डीसी द यही हो जाएगा आपका आंसर टू एक्स मल्टीप्लाई में आगे लिख दिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कितना फाइव आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यस सर, टू नंबर क्वेश्चन है माना y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष का करने को अवकलन करने, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने को, अवकलन करने को, अवकलन करने को, तो ये हो गया dy by dx, dx इक्वल टू d cos sin x हो गया बाई dx cos के dc, cos मुड़ी को होता है माइनस sin मुड़ी, मुड़ी मतलब समझ रहे हैं argument, cos argument को होता है माइनस sin argument, argument कहता है sin x, और जब argument के dc करेंगे तो sin x है argument, तो sin x के dc हो गया कितना cos x। अब इस argument देखो इस कॉस के लिए पूरा आर्गुमेंट है और इस साइन के लिए एक्स आर्गुमेंट है, तो इस कॉस आर्गुमेंट का माइनस साइन आर्गुमेंट एंड साइन एक्स साइन आर्गुमेंट का कॉस आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट के डीसी यानी आर्गुमेंट का है एक्स, एक्स के डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में का हो जाएगा, दिस इज द आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है y इक्वल टू लेट कर दिया जाए, लेट y इक्वल टू दिया हुआ है साइन साइन एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। अब यहां पर जो चलेंगे इसके बाद हाँ साइन आर्गुमेंट का कॉस आर्गुमेंट, आर्गुमेंट छापिए एक्स प्लस बी, आर्गुमेंट आपका एक्स प्लस बी है तो एक कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा एक्स का डीसी वन आ बी का डीसी बी कॉन्स्टेंट है जीरो, दिस इज द ए कॉस एक्स प्लस बी की द का हो जाएगा आंसर। फोर नंबर बोलिए लेफ्ट वाई इक्वल टू, लेफ्ट वाई इक्वल टू हो गया सेक टैन रूट एक्स, रूट एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक टैन रूट एक्स बाई डी एक्स सेक का डीसी, सेक एक्स का डीसी, सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, दो होता है सेक आर्गुमेंट का सेक आर्गुमेंट इंटू का टैन आर्गुमेंट, तो सेक आर्गुमेंट इतना बड़ा है तो सेक आर्गुमेंट लिखिए, सेक आर्गुमेंट कितना है टैन रूट एक्स इंटू टैन आर्गुमेंट, tan argument, argument कौन है आपका tan, tan root x argument है आपका, यह अभी sec का dc हुआ, sec के बाद किसका होगा tan का, tan x का dc होता है sec square x, तो यहाँ हो जाएगा sec square argument, tan argument का sec square argument, तो argument root x है, तो argument डाल दीजिए कितना root x, अब root x का dc 1 by 2 root x, और फिर पुनः आर्गुमेंट एक्स
एक्स का बेसिस कितना हो जाएगा 1, दिस इज द छापिए, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेगा तो 3 को मल्टीप्लाई में डिवाइड्स में 2 आएगा, से tan root x into tan root x tan root x into sec square root x by 2 root x 2 root x this is the answer. Yes sir. अब देखिए इसके बाद में आप ऐसे भी लिख सकते हो x बड़ा होना चाहिए कहाँ से 0 से आंसर में कहें कहें कि 0 से बड़ा नहीं रहेगा तो अनडिफाइन हो जाएगा इसलिए आप आंसर में लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 नंबर लेट y इक्वल टू बोलिए y इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 5 में दिया हुआ है sin ax plus b upon cos cx plus d cx plus क्या होता है d differentiate with respect to x differentiate with respect to x we get dy upon dx equal to d is to sin ax plus b upon cos cx plus d by dx या u by v पर जाएगा u by का पर भाग वाला फॉर्मूला तो u by v पर है या u हो गया या v हो गया d u by v का फॉर्मूला फॉर्मूला हो जाएगा v को बाहर du by dx minus u को बाहर dv by dx upon क्या होता है v square चलिए आपका u ऊपर वाला है v क्या है नीचे वाला चलिए भी को लिखते हैं बाहर यहां देखिए भी कौन है cos cos cx plus d ये बाहर निकल गया किसका dc होगा sin ax plus b का dc होगा अब y हो गया dx minus अब उल्टा हो जाता है sin ax plus b ये कहता हो गया d cos cx plus d अब y dx ये तो आपका ऊपर वाला है v के बाहर u के dc u के बाहर v के dc by total के बटा में v square total के बटा में क्या है v square तो v कौन है cos cos cx plus d cx plus d के क्या हो जाएगा whole square cx plus d के क्या हो जाएगा whole square अब यहाँ पे जब चलेंगे इसके बाद तो इक्वल में यहाँ पे अब इक्वल में चलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बाहर जो निकल चुका है उसका डीसी क्या होगा नहीं होगा छापिए उसको cos cx plus d साइन के डीसी साइन आर्गुमेंट के cos आर्गुमेंट cos कितना हो जाएगा ax plus b ठीक है और आर्गुमेंट के डीसी जब करेंगे a into 1 plus 0 this is the minus माइनस साइन ये बाहर है इसका डीसी नहीं होगा साइन एक्स प्लस बी इनटू कॉस कॉस आर्गुमेंट क्या हो जाएगा माइनस माइनस साइन सीएक्स प्लस डी सीएक्स प्लस डी अब यहाँ पे जब चलेगा फिर इनटू में आर्गुमेंट क्या है सी इनटू वन प्लस जीरो ठीक है और टोटल के बाई में अभी बाई में तो आप देखिए रहे कितना लिखा हुआ है y में लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर यहां लिखो चाहे यहां लिखो तो अपन आप यहां पे cx प्लस कितना दे ध्यान देना है घबराना नहीं है यहां देखिए छापिए इसको a में 1 के मल्टीप्लाई होगा a a में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा a आगे लिखिए ये छापिए cos cx plus d into cos ax plus b माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई क्या हो जाएगा सी सी अब यहां दोनों को छाप दीजिए साइन ए एक्स प्लस बी इनटू साइन कितना हो गया सी एक्स प्लस डी और टोटल के बाटा में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी अलग अलग कीजिए दोनों का अलग अलग तो ए cos cx plus d into
cos a x plus b upon cos square c x plus d plus c into sin, छापिए इसको दोनों को, a x plus b into हो गया sin c x plus d, अब y हो गया cos square c x plus d। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, बटा को जोड़ बनाएंगे तो फिर वही वाला क्या हो जाएगा, आ जाएगा cos cx plus d से एक cos का हो गया कट गया। अब देखिए अब नहीं कटेगा तो a पहले छापिए a फिर cos छापिए cos कितना हो गया a x plus b into बटा में है ना तो इसको लिख सकता है 1 by कितना cos cx plus कितना d एक बच गया plus c। अब देखिए यहाँ पे जब चलेंगे तो x प्लस बी, तो x प्लस बी को छाप दो साइन ए एक्स प्लस कितना हो गया b। अब देखिए इनटू में वन बाई इनटू में देखिए यहाँ जगह नहीं है इसको प्लस में नीचे हम लिखते हैं प्लस नीचे देखिए यहाँ पे c साइन को छापते हैं साइन ए एक्स प्लस कितना हो गया बी, ध्यान दीजिएगा अब सी एक्स प्लस डी एक रूपा तो साइन लिखते हैं साइन सी एक्स प्लस कितना डी, अब बाटा में लिख देता है एगो कॉस कॉस कितना सी एक्स प्लस डी, एगो लिखे हैं एगो बचल है एगो को लिख देते हैं वन बाटा में कॉस कितना सी एक्स प्लस डी, इसलिए लिखे पहले भाई छापिए ए cos ए एक्स प्लस कितना बी इंटू वन बटा cos कितना हो जाएगा sec सी एक्स प्लस कितना डी अब प्लस अब इसके बारे में चलिए c छापिए sin sin ए एक्स प्लस बी sin थीटा बटा cos थीटा sin मुड़ी बटा cos मुड़ी sin आर्गुमेंट बटा cos आर्गुमेंट tan argument, tan argument कितना है cx plus d अब 1 by cos जैसे ही sec हो गया यहाँ भी हो जाएगा sec cx plus d this is the answer sir। चलिए question number 6 में let कितना है y equal to cos x क्यू खाली x पर क्यू है इनटू साइन स्क्वायर एस के पावर 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx इक्वल टू d cos x क्यू इनटू साइन स्क्वायर x के पावर 5 by dx। याद रखिए इवेंट टू का हो गया बी इवेंट टू बी के फंक्शन डी यू इंटू बी बाई कितना हो गया डी एक्स यू के बाहर बी के डी सी और प्लस बी के बाहर यू का डी सी यू के बाहर करो कॉस एक्स क्यू डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और बाई डी एक्स प्लस क्यू के बाहर बी के डीसी अब बी के बाहर कीजिए साइन स्क्वायर एस के पावर 5 डी कॉस एक्स क्यू बाई कितना डी एक्स। अब देखिए जो बाहर होता है उसका डीसी नहीं होता है कॉस एक्स क्यू हो गया पहले इसमें की करो साइन के कि स्क्वायर के कि एक्स के कि 5 के साइन पहले क्या करोगा स्क्वायर के पहले क्या करोगा स्क्वायर के यानी पावर उतार के पावर एक का कर देंगे कम कर देंगे इसके पावर 5 स्क्वायर के बाद किसका होगा साइन के साइन मुड़ी के कॉस मुड़ी साइन आर्गुमेंट के कॉस आर्गुमेंट यानी इसके पावर किसका 5 और फिर आर्गुमेंट के इसके पावर 5 के पावर उतार के पावर घटा देंगे और x के डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। अब इसके बाद दूसरा स्टेप का कीजिए यहां
साइन ये बाहर है तो यहाँ पे क्या करेंगे छापा छापी। अब देखिए कॉस आर्गुमेंट के माइनस साइन सी आएगा तो माइनस डीसी में साइन आर्गुमेंट एक्स क्यू। अब एक्स क्यू का डीसी पावर उतार के पावर का कर देंगे घटा देंगे ये मल्टीप्लाई करो 5 × 10 टेन एक्स के पावर 4 बाकी छापिए कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर कितना हो गया 5 प्लस की माइनस माइनस हो गया 3 एक्स स्क्वायर अलजेब्रा को पहले लिख लिया जाता है और उसके बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू इधर का हो गया आंसर। इसके बाद 7 आइए लेट y इक्वल टू हो गया 2√cot x की पावर स्क्वायर x स्क्वायर। चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx इक्वल टू 2 बाहर निकल गया d√cot x स्क्वायर बाई कितना हो गया dx। अब आते हैं इसके बाद 2 बाहर निकल गया रूट का dc 1/√2cot argument कितना है cot x स्क्वायर रूट के हो गया रूट के बाद cot का dc होता है माइनस cos स्क्वायर argument कितना है x स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर यानी कॉट कॉट मूड़ी के होता है माइनस कोसेक स्क्वायर मूड़ी चार से को कॉट आर्गुमेंट को होता है माइनस कोसेक स्क्वायर आर्गुमेंट कॉट एक्स का डीसी होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स तो कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह अब कब है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के डीसी पावर उतार के पावर घटा देंगे एक्स का डीसी 1। अब आइए इसके बाद जब चलेंगे तो एगो 2 से एक तो 2 का हो जाएगा इसके बाद आइए एक और जो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 2x। अब नीचे में इसको भी नीचे उतार रहे हैं माइनस 2x छोड़ रहे हैं ऊपर इसको ऊपर है cosec इस पर नीचे जाएगा तो sin स्क्वायर x स्क्वायर sin स्क्वायर x स्क्वायर और रूट में आइए कितना है cot x स्क्वायर आंसर होना चाहिए था इतना दिया नहीं है अब मैच कराना है मैच कैसे कराएंगे सबसे पहले बात माइनस 2x लिखेंगे इसके बाद में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर देखो ये सोचो रूट में दिया है साइन 2x स्क्वायर कितना दिया है साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a इनटू का होता है cos a 2 बोला ही ए के जगह या फॉर्मूले के का x स्क्वायर तो एक नाम हो जाए 2 sin x स्क्वायर इनटू cos x स्क्वायर। अगर इतना आ जाएगा तो इतना हम क्या कर लेंगे लिख लेंगे इतना आ जाएगा तो उतना क्या कर लेंगे अब उतने बनाने का प्रयास कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हुआ cot को लिख सकता है cos x स्क्वायर by sin x स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इतना बन जाएगा इतना बनाने के लिए cos x स्क्वायर दिया है घट क्या रहा है 2 sin x स्क्वायर क्या घट रहा है 2 sin x स्क्वायर तो यहाँ पे 2 sin x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 sin x स्क्वायर से क्या हो गया डिवाइड्स यहाँ देख रहा है हमेशा इतना याद कर लो कि 2 sin x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 2 sin x स्क्वायर से क्या करना है डिवाइड्स करना है माइनस 2x अपॉन यहाँ पे क्या हो गया sin स्क्वायर x स्क्वायर। जब यहाँ पे चलेंगे ध्यान दीजिएगा ई हो जाएगा ऊपर में फॉर्मूला ये sin 2x स्क्वायर कितना हो गया नीचे में क्या हो जाएगा 2 sin x स्क्वायर तो sin
एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद माइनस टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। अब रूट में सबको दे देते हैं रूट, ऊपर में रूट तुम अपना ले लो, कह रहा है कि लेंगे तो हम इतना बनेंगे साइन टू एक्स स्क्वायर, यह रूट टू, यह कह रहा है कि हम रूट टू बन जाएंगे। इसको रूट दे रहा है तो कह रहा है कि होल स्क्वायर मार दो, मेरा रूट हटा दो, क्या होगा एक्स स्क्वायर, इससे एक ठो का होगा कटेगा, इससे एक ठो का होगा कटेगा, बचेगा क्या था देखिए माइनस टू एक्स, ये पलट करके ऊपर जाएगा तो माइनस टू रूट टू मल्टीप्लाई होगा एक्स बाई क्या क्या बचेगा, ये मेरे को साइन बचल है, साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचल है, एक ठो ही बचल है, ये तो उलट के ऊपर चल गया है, ये बचल है रूट में कितना साइन साइन टू एक्स स्क्वायर, साइन कितना टू एक्स स्क्वायर, इधर का होगा आंसर, यही साइन टू एक्स स्क्वायर से मैच कराने के लिए कि इतना हमको लाना था, इतना हमको क्या करना था लाना था, इतना लाने के लिए सबसे पहले साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए टू कोस, इसका साइन टू ए का फॉर्मूला लिख दिया जाएगा टू एक्स स्क्वायर टू साइन ए टू कोस, अगर हंसना आ जाएगा तो हंसना लिख देंगे आंसर से पता चलेगा, तो इतना बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉट फॉर्म लिखे हैं कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर बटा में साइन एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा, लेकिन इतना लाने के लिए घट रहा है कितना टू साइन एक्स स्क्वायर, तो टू साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई टू साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड, अब इतना का फॉर्मूला इतना हो गया साइन टू एक्स स्क्वायर नीचे टू ये साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब रूट का सबको डिस्ट्रीब्यूट किया तो रूट अपना ले लिया, यहाँ रूट ले लिया, यहाँ रूट लेकर के स्क्वायरिंग खत्म, एक साइन एक्स स्क्वायर से साइन एगो स्क्वायर का हो गया खत्म हो गया, यहाँ माइनस टू रूट जाएगा ऊपर माइनस टू रूट टू एक्स अपॉन साइन एक्स के होल स्क्वायर, और ये रूट में बचेगा साइन कितना टू एक्स स्क्वायर, इसी तक का हो गया आंसर। अगला चलते हैं।